Tahir bhai, welcome. Welcome to Gunner Shot. Thank you, sir. Thank you for having me. It's always a pleasure to join you, sir. Oh, thanks a lot. It was my honor. It's my honor that you have been able to join me all the way from Toronto. It's early morning out there, and it's a pleasure to have you and your expertise. Thank you, main sir. Sabko batata rehta hoon. Tag TV is one of my most favorite TVs abroad. Thank you, sir. You give a very balanced view of many things which are happening in South Asia. And my first request to everyone who's watching this program is subscribe to Tag TV. Aapko Pakistan aur India and South Asia ke mamlon ke upar aapko bilkul ek balanced view milega. Do tarafa view, kyunki hum India mein kabhi kabhi jhuk jate hain apne aur Pakistan mein agar aap YouTube channels dekhenge to wo apne aur jhuk jate hain, par Tahir bhai jo hain inke jo vichar jo hain wo bilkul balanced hain. Khair, aaj hum India ke bare mein nahi, hum Pakistan ke bare mein baat karenge. Jaise hame sabko pata hai, ye hai क्या आशा है या निराशा है, इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में 2023 तो निराशाजनक था, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी. आज के दिन वहां इन्फ्लेशन जो है 42% चल रहा है. जहां तक इसका इंटरनेशनल पोजीशन जो है वो मार्जिनलाइज्ड है पाकिस्तान. ना यूएसए चाहता है उसको, ना चाइना चाहता है उसको, ना गल्फ भी चाहता है, क्योंकि गल्फ तो अपने आप किस में अपने प्रॉब्लम्स में फंसा पड़ा है इजराइल और हमस के बीच में. और पाकिस्तान पता नहीं कैसे, पर उन्होंने अफगानिस्तान से भी दुश्मनी मोड़ ली, तालिबान से दुश्मनी मोड़ ली, और हमारे साथ तो है ही. तो इस हालत में, और कर्ज में तो डूबा हुआ है, इस हालत में आप आई वॉन्ट योर असेसमेंट कि कैसे ये पूरा हुआ है 2023 में, आगे क्या होगा, क्या दोबारा इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा दोबारा, इनके ऊपर आप जरा बात कीजिए और देखते हैं किस तरीके से यह चर्चा आगे जाएगा. ओवर टू यू ताहिर भाई. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आपने आशा और निराशा की बात की, तो पाकिस्तान बना तो 47 में अकॉर्डिंग टू डेम आशा की बेस पे था, मगर बनने के फौरन बाद अब तक निराशा ही निराशा चला मामला वहां पे. और मैं ये कहूंगा कि आप ये जो डिस्पेयर और होप की बात करते हैं, इनफैक्ट पैथेटिक है सर सिचुएशन. मैं होप और डिस्पेयर से भी बाहर निकल के सोचता हूं, और जब पाकिस्तान को देखता हूं यहां कनाडा में बैठ के, क्योंकि इंटरनेट की वजह से हम 24/7 कनेक्टेड हैं अराउंड द ग्लोब, तो पाकिस्तान की सिचुएशन मुझे होप और डिस्पेयर, आशा और निराशा से हटके पैथेटिक नजर आती है. अनफॉर्चुनेटली ये है इसका वन वर्ड डिस्क्रिप्शन. पूरी दुनिया में सर पॉलिटिक्स जो है इस फिल्थी गेम, उसमें दोषी दूसरे को कहते हैं, सब वो होता है, सब चलता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन सिस्टम जो होते हैं ना देशों के, जो भी रीजनेबल देश होते हैं, रिस्पॉन्सिबल देश होते हैं, उनके सिस्टम चलते रहते हैं. तो वो इनफैक्ट पाकिस्तान में वो सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा. आपका मुद्दा ये रहा कि 2023 तो निराशा का ही साल था, 2024 एंड ऑनवर्ड ये कैसे आगे अब चलेगा? तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या इलेक्शन होंगे या सिलेक्शन होंगे, ये सब आपकी बातें जुड़ी हुई हैं सर. कहा जा रहा है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि इलेक्शन होने ही चाहिए. इसके बावजूद अभी चीफ द आर्मी स्टाफ की जो एक सॉरी स्टेटमेंट आई है, वो उसमें उन्होंने मतलब थोड़ा सा डाउट का ही इजहार किया. उन्होंने कहा मार्च से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो इसका मतलब है वो 8 फरवरी की बात नहीं कर रहे. तो चलिए मैं कहता हूँ इलेक्शन हफ्ता 10 दिन आगे पीछे भी हो जाए, दैट इज नॉट अ बिग डील. इशू ये है कि क्या इलेक्शन होंगे, उसका कोई चांस नहीं है सर. पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन हार्डली ही इलेक्शन रहा है.
अगर कोई इलेक्शन ठीक से हुआ भी है तो बाद में सिलेक्शन ही करना पड़ी है पाकिस्तान की आर्मी को, वो सर एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिशियन को बनाए रखती है। अब देखिए ना, यही नवाज शरीफ होप रखे हुए हैं कि ये फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और इनको जिस तरह लास्ट टू टाइम्स से किक आउट किया गया, लगता था कि ये को पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन है, और सबसे बड़ा हीरो जो था वो इमरान खान था, जो अब जीरो होके अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले एक साल या दो साल बाद वो फिर से हीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी ऐसी मुश्किल बात है। मिस्टर जरदारी जो है वो 10-11 साल जेल में रहे हैं, तो अब वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है। तो ये जो सर सीन पार्ट है कि जो आज का गद्दार है वो कल मुहिब्बे वतन होगा, और जो कल का मुहिब्बे वतन है वो परसों गद्दार हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये आशा और निराशा से बाहर निकल के पैथेटिक सिचुएशन है इनफैक्ट, कि मतलब वो हर वक्त सर्टिफिकेट चेंज होते हैं। आज मेरे हाथ में वो जो है पैट्रियटिज्म का है सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और वो सर्टिफिकेट मुझे एकदम से मुझसे छीन के मुझे दे दिया जाएगा कि ये गद्दार है। तो इस तरह सर फैमिलीज भी नहीं चला करती, बिजनेस भी नहीं चला करते, और देश तो बिल्कुल ही नहीं चला करते। तो ये जो सिचुएशन है ना, वहां पे मैं थोड़ी और बात जोड़ता हूँ डेमोक्रेसी के साथ सर। जो है डेमोक्रेसी, वो तो खैर पक्की बात है कि पाकिस्तान में कभी भी ठीक वाली डेमोक्रेसी नहीं रही। वैसे तो डेमोक्रेसी दुनिया में बहुत कम देशों में अपनी सही स्पिरिट के साथ चल रही है, भारत हम कह सकते हैं कि काफी हद तक इंटैक्ट है डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान में तो सारी इंजीनियर डेमोक्रेसी है। जिसको आर्मी ने चाहा उसको ऊपर रख दिया। अब आप सर खुद भारत की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, भारत में तो कोई ऐसा सीन नहीं होता कि कोई आर्मी जो है वो खेल रही हो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, देश के साथ भी, और डेमोक्रेसी के साथ भी। तो ये जो पाकिस्तान में इनफैक्ट देखिए, जितने पॉलिटिशियंस हैं अनफॉर्चुनेटली वो तो उनमें से 90% मैं कहूंगा वो पपेट्स हैं आर्मी के, लेकिन फिर भी अगर वो निजाम चले तो फिल्टर हो जाएगा, कोई लोग अच्छे आ जाएंगे बुरे निकल जाएंगे, लेकिन सर वहां तो कोई निजाम चलने ही नहीं दिया जाता। पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी की तरह तो है नहीं कि अपने काम से काम रखे। पाकिस्तान की आर्मी ने तो हर जगह टांग अड़ानी है, उन्होंने सीरियल भी बनाने हैं, फिल्मी ड्रामे भी बनाने हैं, टेलीविजन के ड्रामे भी बनाने हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां भी चलानी हैं, और अगर कोई एक काम वो नहीं जानते तो वो जंग करना नहीं जानते कि कैसे डिसेंट जंग होती है। आपके सामने 71 में आप आर्मी में ही थे तब जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया। तो सर सिचुएशन इज एब्सोल्युटली मैं ये तो कह सकता हूँ होपलेस है, मगर होपलेस से ज्यादा फिर मैं इस बात पे जोर दूंगा पैथेटिक है सर। राइट, यू हैव यूज्ड प्रीटी स्ट्रांग वर्ड्स। आई मीन एक्चुअली यू हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट टुडे, पैथेटिक इंजीनियर्ड डेमोक्रेसी। ओके, तो इफ दिस इज सो, हमारे लिए भारत में ये एक रियलिटी है, we have to live with this pathetic engineered democracy as its our neighbor. And wahan, you know, afsos ki baat hai ki unka jo politicians aur ya army jo bhi hai, jo bhi satta mein hai, wo un ye jo 250 million people right ko nazar andaz karte hue wo apne khel mein hai, inka kya hoga aur hamare liye kya mushkilat pesh aayega, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि एक भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया में एक पावर बनने जा रहा है, हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ 250 मिलियन पीपल आर जस्ट गोइंग डाउन द ड्रेन ड्यू टू दिस पैथेटिक इंजीनियर्ड डेमोक्रेसी। हाउ डज दैट प्ले आउट? सर देखिए, जहां तक भारत की बात है वो मैं पहले करता हूँ। भारत ने तो मुझे यूं लगता है कि सीख लिया है
अपने इस नेबर के बिहेवियर के साथ ही जीना, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं है, नेबर तो चेंज नहीं हो सकते। अब भारत ने तो बहुत कोशिशें की, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब पहली बार पावर में आए थे तो उन्होंने भी कोशिशें की, नवाज शरीफ को बुलाया और फिर खुद भी अनऑफिशियल कैपेसिटी में पाकिस्तान गए, उन्होंने तो ये सब करके देख लिया। इससे पहले भी जो भारत के सारे प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी ये सारी कोशिशें करके देख ली, इवन आर्मी टू आर्मी लेवल भी डायलॉग तब भी चलते रहते थे एंड आई होप के अभी भी थोड़े बहुत चलते ही रहते होंगे। सारी कोशिशें भारत ने करके देख ली और इन द एंड भारत को 26/11 मिला, पठानकोट मिला, अरूड़ी मिला, दिल्ली पार्लियामेंट पर हमला मिला और हर वक्त वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बुलिंग चलती रहती है, कश्मीर में हिंदुओं का एक्सोडस हुआ, ये सब कुछ भारत ने झेल के देख लिया, खालिस्तान देखा, लेकिन भारत हैड ओवरकम ऑल दोज इश्यूज। अब ये है कि भारत ने ये, मुझे यूं लगता है कि सीख लिया है कि भाई अब तो हमारी कोई ऑप्शन नहीं है, हमसाया तो यही है, इसने तो ठीक नहीं होना, जब इस हमसाये ने अपने लिए ही खुद अच्छा नहीं करना तो हमारे लिए क्या अच्छा करेगा। तो अब भारत देख लीजिए, भारत अब G20 भी करवाया, दुनिया की ऑलमोस्ट फोर्थ इकॉनमी है, बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है, थर्ड के रास्ते पे है, तो एक बहुत ही वाइब्रेंट डायनामिक समाज है, तो भारत तो इन्हीं चीजों के साथ आगे चल रहा है, वो चलता रहेगा, उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब पाकिस्तान की जो 250 मिलियन पॉपुलेशन उसका क्या बनेगा, आपके क्वेश्चन का दूसरा जो सेगमेंट है। अब जो 250 मिलियन लोग हैं सर, अनफॉर्चुनेटली वो भी यूज्ड टू हो चुके हैं, अपेरेंटली वहां पे कोर्ट्स भी हैं, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे भी हैं, मगर समाज काफी हद तक अपने तौर पर ही चल रहा है, ऑटो पायलट ही चल रहा है, उसमें लोगों ने सीख लिया है, जिनके पास पैसे हैं वो अपनी गन्स खुद ही रखते हैं, अपने गार्ड्स खुद ही रखते हैं, जो गरीब आदमी है वो एक दूसरे को, अब जाहिर है रोटी तो सभी ने खानी है, अगर किसी के पास रोटी नहीं है तो वो एक दूसरे से छीन के खा लेते हैं, आई डोंट ब्लेम देम। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो माइंड सेट का हुआ है, वो जो 250 लोग हैं वो अपेरेंटली तो इनोसेंट हैं, वो बेचारे आम हैं, मगर उनका जो माइंड सेट पॉल्यूट हो चुका हुआ है, उनमें भी सर कई कैटेगरीज के हैं, एक एलीट क्लास है। अब जो एलीट क्लास है ऑफ कोर्स उनके तो इंटरेस्ट होते हैं, वो तो एलीट क्लास पूरी दुनिया में ऐसी ही होती है, वो तो अपनी इंटरेस्ट को देखती है, लेकिन वो हार्डली 0.1% होंगे। उनके बाद आप, मैं क्लासेस जरूर रखता हूँ कि लोअर क्लास में तीन होती है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास में तीन होती है, मिडिल लोअर क्लास, मिडिल क्लास, मिडल अपर क्लास, फिर उसके बाद ये होती हैं क्लासेस, अब लोअर अपर क्लास, अपर लोअर क्लास, मिडल अपर मिडल क्लास, अपर अपर क्लास, तो ये जो सर 9-10 कैटेगरीज जो मैंने अपने तौर पर करके रखी हुई है, ये फिर अपने अपने लेवल पे प्ले अराउंड करती है, लेकिन इट डजंट मैटर कि व्हाट क्लास समवन बिलोंग्स टू इन पाकिस्तान, माइंड सेट अनफॉर्चुनेटली हेट्रेड टूवर्ड्स इंडिया as well as hatred towards Afghans, ये बड़ी important बात है, जो Afghans इनके अपने ही quote unquote Muslims brothers and sisters हैं, ये उनको, इससे पहले हमने देखा hatred towards short and black Bengalis, I'm sorry, मैं ये मेरी language नहीं है, ये उनकी language है, मैं तो सोच नहीं सकता इतनी घटिया language बरतने के लिए अपने किसी भी fellow human being के लिए, और लेकिन ये उनकी language थी और आज भी है। अच्छा, वो आज भी ये कहते हैं जी कि ये जो बंगाली थे ये गद्दार थे, ये फलां थे ढींग थे, जो हमसे अलग हो गए, अपना कोई कसूर नहीं है। अब सर ये जो माइंडसेट है, अब जो गरीब पिसी हुई आवाम है वो शायद इतनी वहां पे पाकिस्तान में इतनी नॉट डिल्यूजनल हो, बिकॉज वो ग्राउंड रियलिटीज को फेस करते हैं, मगर जो मिडिल क्लास के और अपर क्लास के लोग हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जो सो कॉल्ड जिनके पास यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के सर्टिफिकेट भी हैं, जो जो अपने आप को कोट अनकोट पढ़ा लिखा समझते हैं, सर वो जो होंगे रफली, मैं रफली कह सकता हूँ 50-60 मिलियन लोग मिडिल क्लास और अपर क्लास के जो कैटेगरीज जो मैंने अपने तौर पर कर रखी है, उसके जो लोग होंगे 50 मिलियन से रफली,
वो डिग्रीज रखने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, उनका माइंडसेट हेटफुल ज्यादा है टुवर्ड्स आर नेबर्स, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इवन फॉर अफगान्स, इवन जो सुन्नी है वो तो शिया को भी समझते हैं, जो ईरान के शिया है या पाकिस्तान के शिया है वो उनको भी समझते हैं कि ये भी काफिर हैं। और फिर वो ये समझते हैं कि हम ये जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान का, उसका ये ख्याल है कि इस्लाम जो है वो सबसे बढ़िया उनके पास है। हालांकि इस्लाम का इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, इस्लाम अरबों का दीन है, उनकी लैंग्वेज में आया कुरान शरीफ। दे नो बेटर देयर कल्चर, दे नो बेटर देयर रिलीजन, और इवन इन अरब वर्ल्ड ऑल आर नॉट मुस्लिम्स, वहां पे ताहिर नामी मुस्लिम भी हैं, यजीदी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, ताहिर इज नॉट अ मुस्लिम नेम, एक्चुअली ये तो अरब नेम है। और आपको आज भी ये ताहिर, तारिक, खालिद, ये आपको सभी धर्मों के वहां पे मिल जाएंगे, बिकॉज वो अरब सिविलाइजेशन है, अरब दीन है, इस्लाम इज वन ऑफ द अरबिक डिसेंडेंट रिलीजन, तो वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये सारा कंफ्यूजन पाकिस्तान में है, और अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक भारतीय मुसलमानों में भी है, और वहां पे भी है, बांग्लादेश के मुसलमानों में भी है, कि वो ये समझते हैं सारे के सारे कि हम तो हैं ही नहीं भारतीय, हम तो कोई अरबों की औलाद है। वो मैंने एक नॉवल भी ये लिखा अल पाकिस्तान, तो ओके मैं आपको इसका व्हाट्सएप में भेज दूंगा, हिंदी का जो वर्जन जरूर पढ़ूंगा इसको। है। ठीक है सर। और इसमें आप देख लीजिए, हमने एक पिक्चर लगाई है इमरान खान की और मिस्टर बाजवा की, उन्होंने मतलब हमने स्टाइल क्रिएट किया कि उन्होंने अरब वो पहने हुए हैं ड्रेसेस, लेकिन जो अरब्स हैं वो उनको किसी खाते में नहीं रखते। तो ये उर्दू में भी पब्लिश हुआ है और हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, और ये व्हाट्सएप में उर्दू में बड़ा पॉपुलर पाकिस्तान में। तो सर सिचुएशन ये है कि जो आपका बुनियादी जो सवाल था कि भारत कैसे आगे मजीद जाएगा, भारत को कोई दिक्कत नहीं है, भारत हैज लर्न टू गो बियॉन्ड पाकिस्तान एंड भारत इज गोइंग, और अब पाकिस्तान का क्या बनेगा, अब वो फिक्र पाकिस्तानी करें। लेकिन अगर सर उनको फिक्र ही नहीं है, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है, तो आप पर मैं क्या कर सकते हैं? अगर वो लाला लैंड में रहना चाहते हैं कि कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासम आएगा। अभी देखिए, एक फौजी ने ही, पाकिस्तान के फौजी ने ही सर कहा है ना कि हम मोदी जी को जंजीरों से पकड़ के लाएंगे, अगर आपने वो वीडियो क्लिप देखा हो तो पैथेटिक सिचुएशन नहीं है तो और क्या है, शर्मनाक सिचुएशन नहीं है तो क्या है सर? या आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सो आई यू नो टू टेक, आपने जो बोला है यू नो द की वर्ड्स अभी तक जो आपने बताया है, पाकिस्तान इज अ पैथेटिक इंजीनियर डेमोक्रेसी लिविंग इन लाला लैंड। दिस इज द थीम वर्ड व्हिच वी हैव गॉट आउट सो फार, बट लेट्स टेक इट फर्दर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जो आपने बोला है कि ये अभी अफगान भी हेट करना शुरू कर दिया और अफगानियों ने भी इनको हेट करना शुरू कर दिया, पर ये तो कंडीशन 10-15 साल पहले नहीं था। आप इनफैक्ट 2 years बैक पाकिस्तान वाज ऑल आउट ट्राइंग टू सपोर्ट तालिबान और दे वॉन्टेड, दे इन्होंने तो बोल दिया कि भाई जंजीरें तोड़ दिया, यू नो यू रिमेंबर ही ब्रोक द शैकल्स ऑफ स्लेवरी वगैरह, बट व्हाट हैज हैपेंड दैट दिस इज गॉन एंड मेरे ख्याल में ये वापस होना वाला नहीं है। व्हाट हैज चेंज्ड बिटवीन तालिबान, टीटीपी एंड पाकिस्तान? सर देखिए, बात ये है कि मैं ये कहूंगा कि तालिबान अलग है और अफगान अलग है। तालिबान जो बने थे वो ज्यादातर तो पाकिस्तान से गए थे, स्पेशली जो ये मुजाहिदीन बनाने शुरू किए अमेरिकन और पाकिस्तानियों ने अपनी जरूरत के लिए, सोवियत को हराने के लिए। लेकिन सर मेरा कुछ आना जाना रहा सोवियत यूनियन में भी और कुछ ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ भी एक्सपोजर रहा, तो इनफैक्ट तालिबान ने भी कुछ बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया पाकिस्तान को बहुत शुरू से, लेकिन उनके चूंकि इंटरेस्ट आपस में वो कन्वर्ज करते थे, पैसा मिलता था, अमेरिकन्स का पैसा भी पाकिस्तान के राउट से होके जाता था, यूरोपियंस का भी, जापानीज का भी, चाइनीज का भी जो थोड़ा बहुत जाता था, तो वो जो इंटरनेशनल एड जा रही थी वो सारी की सारी उधर जा रही थी।
लेकिन जो जो अफगान था, मेरे सर ये ऑब्जर्वेशन रही है ड्यूरिंग द पास्ट 30 to 40 years, वो हमेशा आम अफगान हमेशा पाकिस्तान से हेट करता रहा। यहां पे सर इवन इन टोरंटो एक दो अफगान रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं वो पाकिस्तानी कस्टमर्स को बाहर निकाल देते हैं। और वो वीडियोस वायरल हुए हुए हैं, वो ये कहते हैं, साफ कहते हैं, मतलब ये इट्स नॉट हैपनिंग एवरी डे बट इट हैपेंड ऑन एंड ऑफ, वंस और ट्वाइस इज गुड एनफ, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी लोगों को सर्व ही नहीं करना। अब मैं भी पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, गलती से वहां की लैंड पे पैदा हो गया, अगर मैं चला जाऊं अफगान रेस्टोरेंट में और वो उसका अच्छा मूड नहीं है उस रेस्टोरेंट के ओनर का या उसके सर्वर का, वो मुझे कहे कि भाई गेट आउट ऑफ माय रेस्टोरेंट, यू लुक लाइक पाकिस्तानी। तो अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, मैं तो वहां पे पैसे दे के खाना खाने के लिए गया हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ उनका जो पाकिस्तान के लिए जो रिपल्शन है, जो जो सॉर्ट ऑफ वो जो एंगर है, वो इस लेवल का है। मैं आपको खुल के एक बात बताता हूँ, मेरे एक, ये सर 20 साल पुरानी बात है, टोरंटो में मेरा एक नेबर था अफगान, तो वो मुझे जानता था, उसका ये ख्याल था कि मैं लिबरल आदमी हूँ, मैं अफगानों के लिए बड़ा सपोर्टिव हूँ। उसने मुझे कहा, उसको उर्दू हिंदी भी आती थी, तो उसने मुझे कहा बड़े दुख से, उसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो एक पाकिस्तानी लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई है और मैंने अपनी बेटी से कहा है कि तुम किसी कुत्ते से शादी कर लो, पाकिस्तानी से शादी ना करो। दिस इज माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग एन अफगान नेबर, वो मेरा नेबर था उस वक्त और वो मेरा फ्रेंड भी था, तो उसने दुख से के साथ मुझे अपनी बेपता सुनाई। अब ये लेवल से था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अफगान और तालिबान अलग रहे। जब ये 2 साल पहले तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त इमरान खान ने कह दिया कि जंजीरें तोड़ दी अफगानों ने। इमरान खान तो एक हाईली डफर पॉलिटिशियन है, लेकिन आप याद कीजिए, क्या इवन तालिबान वालों ने इमरान के लिए कोई अप्रिसिएशन के वर्ड कहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना सर, उन्होंने कुछ नहीं, उनकी यानी एक आम अफगान तो पाकिस्तान के साथ उसका एंगर है ही है। इवन जो सर तालिबान है वो भी बहुत एंग्री रहते हैं और वो भी, लेकिन इनके साथ वो इसलिए गेट अलोंग रहे क्योंकि उनका धंधा था जहाद और आज भी धंधा है जहाद। ये जहाद से सारा पैसे का खेल है, ये सब नोटों की बात है और कुछ नहीं है। ये आप इवन हमास और इसराइल का देख लीजिए, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर ये जहादी हमास टेररिस्ट वालों को मिलते हैं, तो ये इनका कारोबार है। तो खैर मैं उस तरफ नहीं आ रहा, मैं वापस आता हूँ साउथ एशिया की तरफ ही। तो ये जो तालिबान है, लेकिन ये एंगर थे कि पाकिस्तान ने इनकी कुंजी अपने हाथ में रखी हुई, ये कहीं दुनिया में जा नहीं सकते थे, इनको दुनिया में कहीं जाने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, पाकिस्तान के ट्रैवल डॉक्यूमेंट रहते इनको लेने होते थे, तो इनको कभी भी ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी इनकी, लैंड लॉक कंट्री है और पाकिस्तान से ही इनका इजी एक्सेस है टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फिर ये जो मुजाहिदीन आए और वो भी पाकिस्तान की जो इंटरवेंशन थी अफगानिस्तान में उनकी वजह से डिस्प्लेस होके आए ना, वो कोई खुद से तो नहीं आए थे। अच्छा, फिर उनके नाम पे पाकिस्तान ने दुनिया से बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर उनकी आबादकारी यानी रिहैबिलिटेट करने के लिए वो भी लिए। अब जब उनको दुनिया से पैसे नहीं मिल रहे उनके नाम पे, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इनको अब किक आउट कर दें। यानी हुआ ये कि अगर वो पैसे मिल जाते, दुनिया से मिलते रहते, तो वो उनके नाम पे उनको रहते के रहते रहे यहां। जब वो पैसे नहीं मिल रहे तो उन्होंने कहा इनको निकाल दे ताकि दुनिया को भी पता चले हाँ हमें दुनिया पैसे दें और या फिर ये यहां से अब जाए। दूसरा फैक्टर, आपने TTP की बात की, अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अब ये एक बड़ा मुश्किल मसला है कि मुर्गी पहले आई या अंडा आया। ठीक है कि तालिबान जो है क्या वो अफगान है या पाकिस्तानी है,
प्राइमरीली तो ये पाकिस्तान में बनाए गए थे, उसमें पश्तून बेल्ट के लोग भी थे, और शुरू के जब 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 उसामा बिन लादन पाकिस्तान में थे, उनकी टीम थी, तो उस वक्त बहुत सारे अरब, इवन सोमाली, सूडान के, दुनिया भर के जहादीस में घुसे। और फिर उसके बाद ये बात रियलिटी है कि तालिबान के अंदर एक पश्तून नेशनलिज्म भी था। वो तो पहले से ही है, वो तो सर पहले ही थी, तो पहले से ही है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही। अब से वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब ये है कि तालिबान ने देखा कि भाई पाकिस्तान ने तो हमारा हमारे नाम पे कारोबारी किया है, पैसा ही लिया है, उनको पहले दिन से पता है, ये ऐसी बात नहीं, उनको अब नहीं पता चला। लेकिन अब जब एक ऑर्डिनरी डिस्प्लेस्ड अफगान मुहाजिर को पाकिस्तान से किक आउट किया जा रहा है, तो हमें रीसेंट जो रिबेलियस एटीट्यूड है अफगानों का, वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इनफैक्ट वो शुरू से ही सपोर्टिव नहीं रहे पाकिस्तान के माइंडसेट के। राइट तो आपने जो यू नो व्हाट एवर यू हैव सेड, जो भी आपने बोला है कि वी आर लुकिंग एट अ कंट्री व्हिच इज बिकम डिसफंक्शनल, कोई फंक्शन, यू नो इट्स अ कंट्री व्हिच इज नो मोर फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल कंट्री, राइट। हर एक क्लास अपने कहानी बना रहा है, ये जो एलीट क्लास है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का हो या यू नो पॉलिटिशियंस हो, दे आर ओनली लुकिंग एट देयर पावर गेम्स, ये वगैरह वगैरह। इकोनॉमी तो वैसे ही डूबा हुआ है, और मेरा मानना ये है, और आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, इसका इकोनॉमी का वापस आना या रिवाइव होना नामुमकिन ही है जिस हालत में है। और जिस तरीके से TTP जम गया है वो पश्तून इलाके में, वो कभी भी पाकिस्तान विल रिमेन अनस्टेबल थ्रूआउट। इस हालत में लोग बहुत बोलते हैं कि क्या ये पश्तूनिस्तान बनेगा या सिंधु देश बनेगा, या किसी एक दिन ये POK और बलूचिस्तान वो अपना झंडा खड़ा कर देंगे, और बहुत ये बात आती रहती है, विल पाकिस्तान ब्रेकअप। इसका आपका क्या राय है? सर देखिए, मुझे पाकिस्तान का ब्रेकअप होता भी नजर नहीं आ रहा, उसके कई कारण हैं। ब्रेकअप करने वाले जो फोर्सेस होती हैं, वो भी पाकिस्तान में स्ट्रांग नहीं है, विजिबल नहीं है, वो भी बहुत स्कैटर्ड हैं। एक फोर्स है जो बलोच की है, वो भी हम देख रहे हैं कि बेचारे 70-75 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर आए दिन उनमें से कुछ लोग छोड़ के मिलिटेंसी को वो फिर ज्वाइन कर लेते हैं, थक जाते हैं ना लोग। उसका कारण ये है कि उनको बहुत मिनिमल सपोर्ट मिलती है, वो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत लोग लगे हुए हैं। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में उन फ्रीडम फाइटर्स की कोशिशों के अलावा मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान में ऐसी फोर्स नजर नहीं आती जो पाकिस्तान को ब्रेकअप कर सके। अच्छा, फिर ये भी हमें ऑनेस्टली एनालाइज करना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कर्ब द रिवॉल्ट्स विद इन द कंट्री, भले से वो तालिबान के साथ लड़ना उनके लिए मुश्किल हो, भारत के साथ लड़ना तो इम्पॉसिबल है, या किसी इंटरनेशनल सीन पे। तो पाकिस्तान आर्मी दो काम में बहरहाल अभी भी कैपेबिलिटी रखती है, एक तो अपने ही देश में लोगों को वो जैसे कहते हैं ना बिछाड़ने में, उनको जमीन पे लिटाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा जो वो काम कर सकते हैं वो किराए के फौजी के तौर पर कहीं पर भी मिडल ईस्ट में इधर उधर जाके अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। तो आजकल तो वो किराए के पे कोई लेना भी नहीं चाहता पाकिस्तानी आर्मी को। जी बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने अभी देखा, मैं UAE में था इधर उधर, तो वहां पे वो जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रख लेते हैं, वो जो होता है ना दुकानों के सिक्योरिटी गार्ड्स, शाही महल के सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन वो भी आपकी बात दुरुस्त है कि वो किराए के फौजी के तौर पर भी अब कोई ट्रस्ट नहीं करता। वो जो एक पीस कीपिंग का था कॉन्सेप्ट, उसमें देखिए आप भारत नंबर वन पे है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट ऑन भारत इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉइंग देम एज पीस कीपर्स, तो पीस कीपर्स के तौर पर भारत की है एक रेपुटेशन, पाकिस्तान ने वो भी खो दी। तो इस सारी सिचुएशन में वो जो डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात है,
वो भी मुझे नजर नहीं आती, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़े लेवल की मूवमेंट होती है, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा था। एक इंटरनल मूवमेंट जरूरत है for an internal leadership and an organization is required to break the country. But internal के साथ साथ फिर वो एक ideological भी होना चाहिए ना asset, जैसे हमने बांग्लादेश की सूरत में देखा, बंगालियों की एक ideological एक effort थी, वो उन्होंने कहा हम अपने culture को अलग करेंगे, हम अपनी civilization को अलग करेंगे, हम अपनी भाषा को करेंगे। फिर उन्होंने मुक्ति बाहनी और दूसरे groups जो थे जो पाकिस्तान के साथ लड़े, वो बड़े strong थे और वो they went through lot of suffering, लाखों लोग उनके मारे गए। फिर अल्टीमेटली उन्होंने इंडिया को कन्विंस किया कि भाई हमें बचाओ, तो इंडिया भी इंडिया ने भी तभी बंगालियों का साथ दिया जब इंडिया ने देखा कि इनके हाँ विल है। अब देखिए ना सर, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, आप बैंकर हैं, अगर मेरे पास विल होगी तो आप मुझे फाइनेंस करेंगे ना। Yes. अगर मेरे पास विल ही नहीं है तो मैं तो आपका पैसा भी डबो दूंगा ना। तो मुझे डिसमेंबरमेंट भी वो नजर नहीं आती, क्योंकि डिसमेंबर करने वाली जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं और वो बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई उनकी आइडियोलॉजिकल उनका नहीं है। जैसे ये पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट वाले थे, ये बातें बातें तो बहुत करते थे लेकिन ये फिर खुद ही कभी इनके साथ अंदर मिल बैठते भी हैं, डर जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि दे थिंक कि भाई हम तो कितना लड़ सकते हैं, फिर इनमें से लोग बिक भी जाते हैं, तो फिर ये ऐसा ही चल रहा है मलगूबा। तो वो जो पाकिस्तान का ब्रेकअप फर्दर होना है, एक्चुअली वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली वहां कोई अच्छा काम होना है तो वो ये काम भी मुझे होता नजर नहीं आ रहा। राइट, यू नो आई हैव अ थ्योरी, यू नो व्हिच आई हैव बीन टॉकिंग आजकल, कि देयर इज अ डी ज्यूर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का मैप है, दैट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स द पाकिस्तान। बट पाकिस्तान में देखिए, जहां तक ये पश्तून के इलाका है वहां इनका कोई बोलबाला है नहीं, ना पाकिस्तान आर्मी जाता है ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, कुछ नहीं जाता। वो पुराने टाइप को जो फाटा का इलाका था उस वही बन गया, एंड जिस तरीके से TTP वहां कब्जा जमा रहा है और जिस तरीके से ये PTM भी काफी हद तक कुछ कर रहा है, तो दैट एरिया इज वर्चुअली आउट ऑफ देयर कंट्रोल। एंड Also, this Balochistan ke kafi areas are out of control of the Pakistan army. Right? That is one. This right. The second thing is that lot of areas within Pakistan are slowly being taken over by Chinese in terms of control. Khas karke jahan Chinese ka business interests hain, jaise Gwadar ek bada port ban raha hai, par wo banega ultimately China ka. So, whereas there is a map of Pakistan, which is the de jure Pakistan, there's a de facto Pakistan. The de facto Pakistan does not have control over the complete de jure Pakistan. Or, mera ye theory hai ki India has to contend with a jelly state. Ye jelly state hai, ye nahi pata jelly beans ki tarah yahan chalega ya wahan chalega. So, this is something which is pretty... a problematic thing for India. Your views on this concept of a de jure Pakistan and a de facto Pakistan? Sir, देखिए मुझे यूँ लगता है कि जैसे इंडिया कुछ करने से ज्यादा वॉच कर रहा है क्लोजली। अब देखिए, आपने चाइना की बात की, apparently ग्वादर पे चाइना का कुछ कंट्रोल है, मैं कुछ कहूंगा। उसका कारण ये है कि मुझे यूं लगता है कि फिर पाकिस्तान के ही आर्मी के लोग ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे खेलते हैं, उनको मुझे तो यूं लगता है कि ये जैसे उनको इनडायरेक्टली इंस्टिगेट करते हैं कि चाइनीज पे अटैक्स हो। अच्छा, अब जब चाइनीज पे अटैक्स होते हैं तो चाइनीज भी डीमोरलाइज हो जाते हैं, और पाकिस्तान आर्मी की ये हमेशा से डबल पॉलिसीज रही है, अमेरिकन के साथ भी इन्होंने यही किया कि भाई अमेरिकन के पैसे भी ले रहे हैं और अमेरिकन को ट्रबल भी दे रहे हैं कि अमेरिकन वहां पे अपने पांव भी ठीक से न जमा सके। इसी तरह ये चाइनीज के साथ भी मुझे लग रहा है कि कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है, इतना तो ये समझदार हैं, इतना तो ये जानते हैं कि चाइनीज के अगर पंजे वहां पे पूरे घुस गए, वो उन्होंने अपने पंजे वहां पे घुसेड़ दिए, तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, लाइक एनी प्रोग्रेसिंग नेशन, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो चाइनीज हो, तो इनकी कोशिश पाकिस्तान की डीप स्टेट की यही है कि इनको भी चाइनीज को भी इशू होता रहे। अच्छा सर, फिर चाइनीज जो पैसा वहां पे लगा रहे हैं, जो अब तक लगाया, अभी उन्होंने हाथ रोका हुआ है, वो चाइनीज कोई खैरात तो नहीं दे रहे? चाइनीज ने कोई कोई वहां पे कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं? उनकी उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, लेकिन वो तो शॉर्ट टर्म भी पूरी होते नजर नहीं आ रही। जब जब ये खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ये सी पैक का है या वन रोड वन बेल्ट का वो उनका है, ये उसी की एक एक्सटेंशन है कनाडा पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो यहाँ पे वो पैसे लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये पैसे पूरे ही नहीं होंगे। सर, अगर वो सड़कें बनती हैं, अगर वहां पे कोई हाईवे बन रहे हैं बड़े बड़े, वहां पे अगर ट्रक ही नहीं चलने, टोल की फीस ही नहीं मिलनी, कुछ होना ही नहीं है, तो वो डेड प्रोजेक्ट तो चाइनीज कब तक उसको चाहेंगे, बर्दाश्त करेंगे? जी सर, और अब चाइनीज की अपनी इकोनॉमी भी ट्रबल में है, वो बहुत ट्रबल में। ठीक, वो तो जितनी बड़ी इकोनॉमी सर होती है उतना बड़ा ट्रबल भी होता है। ये चाइना का जो इकोनॉमी है, इसके ऊपर तो मैंने बहुत रिसर्च कर दिया। मेरा तो ये ओपन ऑफर है आपको, जिस दिन आपको कोई चाहिए जो चाइना के ऊपर बात करे, चाइना मेरे को बुला लीजिए। sure, तो मैं हर रोज मैं यही बात करता रहता हूँ। राइट, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है बिफोर वी टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, कि यू नो इंडिया में खास करके कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई पीओके ले लो वापस, बलूचिस्तान वापस ले लो। क्या ये टाइम आ गया इंडिया को ये सोचने के लिए? अगर सोचने के लिए टाइम आ गया तो किस तरीके, तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि अप्रोच टू दिस होल स्टोरी, हाउ शुड इट हैपन? सर देखिए, जो तो पीओके लेने की बात है वो रिलेटिवली जरा इजी है, वो इसलिए कि बिल्कुल साथ बॉर्डर है। लेकिन मुझे नहीं पता भारत कैसे सोचता है, मैं तो गेस कर सकता हूँ। मेरा गैस ये है कि वो ये भी सोचते होंगे कि ये जो लैंड के साथ लोग आने हैं, ये किस माइंडसेट के लोग हैं? ये तो उस माइंडसेट के ही है जो हम अब बात कर रहे हो। अभी तो वहां तो पूरा आबादी बदल गया है। जी नहीं, लेट मी आई टेल यू व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नो, मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिकॉज़ ये जब भी मैं पाकिस्तान के बारे में एक प्रोग्राम करता हूं तो सवाल यही होता है, सर हम पीओके वापस कब ले रहे हैं? भाई पीओके वापस लेने के लिए वो पीओके लैंड ही नहीं है, वो लोग भी हैं, और उनको लाना है इज नॉट अ स्मॉल थिंग। दैट्स व्हाई आई वांट योर व्यूज ऑन इट एंड गिव मी योर फ्रैंक व्यूज व्हेदर वी शुड इवन अटेम्प्ट इट। सर मुझे ये लगता है उसमें कई फैक्टर्स है ना, एक इंटरनेशनल सीन भी होता है। अब भारत कोई भी ऐसा एक्शन करता है तो उसमें पीओके में प्रिसाइजली, तो जाहिर है चाइना भी एक पार्टी है वहां पे कश्मीर में। तो भारत पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो ये शायद कहता रहे, शायद कोई काम भी हो रहा होगा, पूरा पीओके नहीं है तो कोई ना कोई पार्ट्स ऐसे जहां पे उन्होंने वहां के कुछ लोकल लीडरशिप को अगर ऑन बोर्ड कर लिया है, तो ये ऐसे काम तो सर तभी होते हैं ना, वो एकदम से तो दुनिया में कहीं पर भी एकदम से इन्वेजन नहीं होता, एक्सेप्ट रशिया की एग्जाम्पल है, रशिया ने जॉर्जिया में कर दी, क्रीमिया को अलग कर दिया। लेकिन सर उसमें भी आप ये देखिए कि जॉर्जिया में रशिया के हामी लोग मौजूद थे, क्रीमिया में यूक्रेन का जो उन्होंने पार्ट किया था तो वो बहुत ज्यादा वहां की आबादी थी वो प्रो रशियन थी। yeah. तो तभी उन्होंने ये सारे एक्शन किए, वो लेजिटिमेट थे या उनकी लेजिटिमेसी पर क्या कुछ? वो एक और बात है, लेकिन जब तक ग्राउंड पे लोगों की आपके लिए सपोर्ट ना हो, एक्शन करना मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लैंड, इट्स अबाउट पीपल एज वेल। पीपल, या आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेड। जब तक पीओके और बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, यहाँ जाके घुस के कुछ भी करना बेवकूफी है। जी, और उसके बाद भारत करेगा? मेरा नहीं ख्याल भारत करेगा। मेरे को तो डाउट ही नहीं है हम करेंगे नहीं। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो यही बोलूंगा, और मैं पहले दिन से यही बोलता रहा हूँ कि भाई दो तीन चीजें हैं, लैंड के साथ पीपल आर इम्पोर्टेंट, और पीपल के साथ यू हैव टू हैव अ पॉलिटिकल आउटरीच।
they have to be politically with you. Firstly, they have to be socially with you. A social alignment ki zarurat hai, sociological alignment ki zarurat hai. और उसके साथ साथ आपको एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट की जरूरत है कि उनके अंदर ये एक इच्छा होना चाहिए कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ होंगे ना कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं. और वो मेरे को वो नजर नहीं आता. अगर उस भावना को अगर उत्साहना है तो इंडिया हैज टू डू अ लॉट ऑफ आउटरीच. उनसे बात करो, भाई आपको क्या चाहिए, इंटरनेशनल फोरम में बात करो. जैसे आपने बोला, एक इंटरनेशनल सिचुएशन पैदा करो सो दैट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर. जिस तरीके से हमने बांग्लादेश में किया था, सी बांग्लादेश में अगर आपको याद है 71 में व्हेन द सिचुएशन स्टार्टेड गोइंग बैड, एट दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सब लीडर्स को बताया कि भाई ये होने हो रहा है उधर, हमें वहां जाके कुछ करना पड़ेगा. फिर वो जाके किया और देन द पीपल वेयर with India against the Pakistanis, the West Pakistanis, they're not Pakistanis, they're West Pakistanis, and where Bangladesh ka, you know, it got made. But the same situation is not here. So I don't know. I mean, that's why I asked you, is because you have a different view. I mean, you view this from differently. You hit the nail on the head. We'll just spend two more minutes on it, your views, and then I'll take questions. जी सर. और फिर अगर हम बलूचिस्तान को सर देखें तो बलूचिस्तान एक तो भारत के साथ कनेक्ट नहीं है, फिर बलूचिस्तान के जैसे ये बड़े शहर हैं सच एज कोयटा, वहां पे तो बलोच शायद बहुत थोड़े रहते हैं, वहां पे तो पूरे पाक के लोग रहते हैं जो ऑफ कोर्स प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं. तो वो भी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सिचुएशन हमने बांग्लादेश में देखी, उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान में देखी, जब तक वो वाली सिचुएशन ना हो वो नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान को मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बांग्लादेश की हेल्प की, अगर भारत चाहता तो बांग्लादेश को अपना हिस्सा बना सकता था, उनकी उनके उनको हेल्प करने से पहले उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर सकता था, लेकिन नहीं किया, उन्होंने उसको सेपरेट ही रहने दिया. अच्छा, पीओके की अगर कोई सिचुएशन बन सकती है तो देखिए, पीओके में भी अब बहुत एंगर है बल्कि लीडरों का भी, जो कश्मीरी लीडरों का भी अगेंस्ट पाकिस्तान. अगर लेकिन वो भी सर छोटी कम्युनिटीज हैं, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, कोई उनके पास ऐसे मीन्स ऑफ रिवॉल्ट नहीं है. तो वो अगर मीन्स ऑफ रिवॉल्ट हो, सब कुछ हो, तो फिर भी मैं यही भारत को सजेस्ट करूंगा कि उनको अपनी जंग खुद ही करने दें. अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन अगर आप ये चाहें कि उनको हम अपने साथ शामिल कर लें तो कीप दैट इन माइंड कि वो जब तक आप मेक श्योर नहीं होते कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट के लिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट नहीं है तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम्स हैं. तो हाँ, अगर वो पीसफुल हो जाता है रीजन और उसको कोई ऑटोनॉमी मिल जाती है और वो आपके साथ फ्रेंडली रहते हैं तो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. यस, आई एग्री विद यू कंप्लीटली. आई थिंक विल दिस थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने जो बोला है आज के दिन वो है Pakistan is a mindset which is retrograde and which is not going to change, and India has to live with this mindset for a long time to come. I think we've come to the end of our talks today, and what I'd like to say, which is very important, which I carry away from here today, of Pakistan being a pathetic state with an engineered democracy living in la 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 land. और जब मैं कल ये वीडियो को ट्वीट करूंगा यही शब्द मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ. एंड थैंक यू बिकॉज यू गिवन अ न्यू डायमेंशन टू व्हाट पाकिस्तान इज एंड व्हाट पाकिस्तान विल बी. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ माय व्यूअर्स आई वुड थैंक ताहिर भाई फॉर दिस वंडरफुल एक्सपोजर. ही ओपन्ड आवर हार्ट्स टू अस. थैंक यू. देन सेकेंड थिंग इज, I would like all of you who are watching this, if you have not subscribed to Tag TV, please do subscribe to Tag TV. And also, if
all of you, please pass this interaction on to all your friends, and those of you who are not subscribed to Gunnershot, please do subscribe to Gunnershot. And on behalf of all of you, thanks a lot. Good evening and Jai Hind.